हाय फ्रेंड्स, नमस्ते केमचन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हाँ, मैं आपसे एक बात शेयर करने वाली हूँ कि 12 जुलाई को टीवीएफ प्ले पे एक प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है और उसका नाम है ये मेरी फैमिली। तो वो वाला प्रोग्राम आप देखना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि वो वाले प्रोग्राम में आपकी बचपन की बहुत सारी ऐसी यादें हैं वो ताज़ा होने वाली है। वो वाला प्रोग्राम देख के आपको ज़रूर लगेगा कि अरे, ये वाली सारी बातें तो मेरी मम्मी भी मुझसे करती थी, ऐसा तो मेरे घर में भी होता था। तो वो वाला प्रोग्राम आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और वो प्रोग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक आयुर्वेदिक नुस्खा। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। गाइज, हम सबको पता है कि हमारी जो दादी, हमारी जो नानी है, वो हमारे बालों में बहुत ही अच्छी तरह से मसाज करती है, हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। लेकिन मेरी जो नानी थी, मतलब अभी नहीं है, लेकिन मेरी जो नानी थी वो बहुत ही अच्छी तरह से बालों में मसाज करती थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और उन्होंने एक तेल भी बनाया था, एक हेयर ऑयल बनाया था, तो उनके कारण मेरी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो भी बहुत ही कम हो चुकी थी। लेकिन अब तो मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये वाला जो ऑयल है वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है और बहुत ही इजी तरीके से उन्होंने ऑयल बनाना हमें सिखाया था। तो चलिए देखते हैं कि ये ऑयल कैसे बनाते हैं और इसे किस तरह से यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है कोकोनट ऑयल। यहाँ पर मैंने वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया है, आप चाहे तो कोई भी सिंपल वाला भी कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बाउल भर के कोकोनट ऑयल लिया है। उसके बाद हमें चाहिए 2 चम्मच आंवला पाउडर, ये आपको कहीं भी लोकल मार्केट स्टोर में इजीली मिल जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए एलोवेरा जेल, आप चाहे तो आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश वाला इससे भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑयल को स्टोर करने के लिए हमें चाहिए एक कांच का कंटेनर। तो हम ऑयल को बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें डबल बॉयलर प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो मैंने ये पतीली में गर्म पानी रख दिया है और इसके गर्म होने के बाद हम हमारा जो ऑयल है उसे रख देंगे इस तरह से। हमें ये ऑयल को 5 से 7 मिनट तक गर्म करना है। 5 मिनट के बाद हम इसमें आंवला पाउडर मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें 10 मिनट तक ये ऑयल को गर्म करना है। 10 मिनट हो जाने के बाद हम इसे निकाल लेंगे और इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 चम्मच एलोवेरा जेल। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। इसके ठंडे हो जाने के बाद हम इसे फिल्टर कर लेंगे। तो ये आंवला पाउडर के जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं वो हमारे ऑयल में मिक्स हो चुके हैं। उसके बाद हम इसे एक कांच के कंटेनर में निकाल लेंगे। तो गाइज, ये हमारा ऑयल रेडी हो चुका है। अब हम ये ऑयल को अप्लाई कर लेंगे। ये ऑयल को अप्लाई करने से पहले आप इसे अच्छी तरह से शेक कर लीजिए। उसके बाद मैं ये बाउल के अंदर थोड़ा सा ऑयल निकाल लूँगी। आपको इसे स्कैल्प में अच्छी तरह से अप्लाई करना है और पूरे हेयर लेंथ में भी अप्लाई करना है और हेयर के एंड में भी अप्लाई करना है। अप्लाई हो जाने के बाद आपको 5 से 10 मिनट तक आपके स्कैल्प में मसाज करना है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। ये ऑयल है वो आपको वीक में 3 बार ज़रूर ट्राई करना है। 3 बार ट्राई करते ही आपको बहुत ही अच्छा डिफरेंट आपके बालों में लगेगा। आपके बाल बहुत ही सिल्की स्मूथ लगेंगे और साथ में आपका जो हेयर फॉल है वो भी कम हो जाएगा। और अगर आप इसे 2 से 3 महीने तक यूज़ करोगे तो आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आपके जो बाल है वो भी जल्दी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें हमने सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल यूज़ किए हैं, तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। इसे हमें हमारे बालों में 1 घंटे तक रखना है। आप चाहे तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो मैं इस ऑयल को 1 घंटे तक मेरे बालों में रहने दूंगी। उसके बाद मैं शैम्पू और कंडीशनर की हेल्प से हेयर को वॉश कर लूँगी और बाल पूरी तरह से ड्राई हो जाने के बाद ही आपको आपके बालों से टेंगल्स को रिमूव करना है। तो आप देख सकते हैं मेरे बाल पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह एक लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।